पीएम मोदी का कल से पोलैंड और यूक्रेन का दौरा। 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने कहा, यूक्रेन में जारी संघर्ष पर करेंगे चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस ने जारी किया बयान, पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा होगी। कहा, कई अहम समझौतों पर भी होगी हस्ताक्षर। दिल्ली में भारत और जापान के बीच 2+2 की वार्ता हुई। तीसरी मंत्री स्तरीय बातचीत में राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जापान के रक्षा और विदेश मंत्री की करेंगे मेजबानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भू विज्ञान से जुड़े लोगों को सम्मानित करेंगी। क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए देंगी पुरस्कार। मंत्री जी किशन रेड्डी और सतीश चंद्र दुबे रहेंगे मौजूद। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। बीती 11 अगस्त को पिछवारिया गांव में दलित युवक की गोली मारकर की गई थी हत्या। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पहले से ही हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। हरियाणा के जिंद जिले के गांव निडाली के रहने वाले थे शहीद कुलदीप कुमार। अस्पताल में जाते वक्त उनका निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के विशेष अभियान समूह में वो तैनात थे। सीआरपीएफ ने शहीद को नमन किया। कहा, हमारे बहादुर सैनिक के अदम्य साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण को सलाम। कांग्रेस पार्टी ने कहा, आतंकी मुठभेड़ में सीआरपीएफ अधिकारी के शहीद होने की दुखद खबर है। कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं शहीद अधिकारी के परिजनों के साथ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दुख जाहिर किया। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और एक स्वर में इसकी सख्त निंदा करता है। उदयपुर में नाबालिग छात्र का आज अंतिम संस्कार। परिजनों को 51 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार के एक का सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का फैसला। अगले आदेश तक उदयपुर में सभी स्कूल बंद। शहर के मुख्य बाजार और इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात। शहर में लगाई गई धारा 163। उदयपुर में प्रशासन की दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है। शुक्रवार को चाकूबाजी की घटना के बाद इलाके में भड़की थी हिंसा। हाईकोर्ट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत मिली। मुद्रा घोटाले के शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया था, तत्काल मामले में मंजूरी की जरूरत नहीं। घोटाले के आरोप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, राज्य की जनता भी जानती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे राजनीतिक जीवन में एक भी काला धब्बा नहीं। सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सरकार के फैसले से सहमत नहीं है सहयोगी दल एलजेपीआर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, उनकी पार्टी लेटरल एंट्री के खिलाफ। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी की तबीयत ठीक। कल एम्स में उनको भर्ती किया गया था। सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए अस्पताल गए थे येचुरी। निमोनिया की वजह से किया गया एडमिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस और पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। शुभकामनाएं देते हुए कहा, पूरा देश खिलाड़ियों के साथ। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन। भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी कर रहे हैं देश का प्रतिनिधित्व। पीएम मोदी बोले, पेरिस में नए रिकॉर्ड बने। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनेगी ये पूरे केस। टीएमसी के सांसद शुभेंदु शेखर की याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस ने भेजा था नोटिस। लेडी डॉक्टर मामले पर की थी पोस्ट। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला, आज आरोपी संजय रॉय का हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। आरोपी के अभी तक के बयानों की सच्चाई पता लगाना चाहती है एजेंसी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम। कर्नाटक सरकार ने अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को लेकर बुलाई बैठक। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राय ने आज रखी मीटिंग। मौजूदा कानून और प्रोटोकॉल पर चर्चा होगी।